आज नौगांव में प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और उनके साथ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के मंत्री प्रभु राम चौधरी ने नौगांव के भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। छतरपुर में चल रहे भाजपा के द्वारा कार्यक्रमों की जानकारी मीडिया को दी। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार है, इसलिए पूरे प्रदेश में अच्छे से अच्छे कार्य किए जाएंगे। यहाँ के विधायक जी माननीय मिली है, हमारे प्रभुराम जी भी, चिकित्सा शिक्षा हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी आज यहाँ पर उपस्थित हैं, जिलाध्यक्ष हमारे हैं और भी सभी कार्यकर्ताओं से मिलते हुए निकलना था, इसलिए मैं नौगांव भाज रुका हूँ। ये आपने कैसे कह दिया डरी और जरूरी है? आप कहाँ से अंदाज लगाने लग गए? और ये कब एकत्रित नहीं हुए? जिनका अस्तित्व खत्म हो रहा है, कांग्रेस जीरो हो रही है और उनके नेतृत्व में गठबंधन इकट्ठे हो रहे हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं के बंगाल के अंदर गठबंधन इकट्ठे हुए, कांग्रेस जीरो हो गई, वामपंथी जीरो हो गए, इनके विचार शून्य हो गए और उनके नेतृत्व में ही अगर सोनिया गांधी राहुल गांधी के नेतृत्व में अगर विपक्षी इकट्ठे हो रहे हैं तो देश मुझे लगता है इससे अच्छा और कुछ नहीं है। अच्छी बात है वो इकट्ठे हो रहे हैं, अपना अस्तित्व उनका लगातार खत्म हो रहा है, इसी के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से किसी भी चुनाव के लिए तैयार और तत्पर रहती है। हम केवल चुनाव के लिए काम नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी का संगठन 24 घंटे 365 दिन सक्रिय रहता है। चुनाव भी हमारा एक कार्यक्रम है, जब इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर कर देगा हम चुनाव के लिए तैयार। कल ही अगर हम लोगों ने पन्ना से इस संभाग के कितने हेल्थ सेंटर्स को उन्नयन किया है, कई प्रकार की चीज़ें दी हैं और मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो काम कर रही है वो स्वास्थ्य में, शिक्षा में, अन्य क्षेत्रों में आज तक के इतिहास में कहीं सरकारों ने काम नहीं किया। जो सौगात माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी थी, मेरे स्वास्थ्य मंत्री जी यहाँ पर हैं, हमारे विधायक यहाँ पर हैं, हमारे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जल्दी ही जो सौगात हमने दी थी उसको कार्य रूप में मेडिकल कॉलेज छतरपुर को तैयार होकर के मिलना चाहिए। ये जल्दी ही सौगात पूरी होगी, मैं छतरपुर की जनता को इस बात के लिए बहुत आश्वस्त करता हूँ। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए नौगांव से संतोष सेन की रिपोर्ट।